मास का कांसेप्ट बता रहा हूं। अगर यहाँ पर रिंग है, क्या है? रिंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप देख रहे हो कि पूरी सिमेट्री है ना। अगर सिमेट्री मेंटेन हो रही है तो हमेशा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस रिंग का, बिल्कुल उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। लेकिन बेटा अगर यही रिंग को हम आधा काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाफ सर्कुलर रिंग। तब बेटा इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ना, तो सेंटर से शिफ्ट कहां हो जाएगा? ऊपर तरफ। क्यों ऊपर हो जाएगा? क्योंकि सर हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास हमेशा जहां ज्यादा मास होता है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर आप इसको काट दोगे, आधा कर दोगे, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर तरफ है ना, तो ये जो आपका सेंटर ऑफ मास आएगा वो ऊपर तरफ चला जाएगा। तो डिस्टेंस आती है 2R/π, इसी को हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। ओके चलिए, ठीक, थैंक यू।